हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मेरा नाम है शुभदीप चेरेजी। मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ मेरे चैनल में। और आज का जो टॉपिक है इनकम टैक्स में, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सैलरी हेड में, एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड एज रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। तो दोस्तों, हम लोग इसका आज हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, जो कि एक परक्विजिट है, उसका वैल्यू को कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन क्या होता है, इसको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बहुत सारे एम्प्लॉई लोग जिनका जो उनको उनका एम्प्लॉयर स्टाफ क्वार्टर्स देते हैं, रहने का घर देते हैं, ठीक है, और कोई भी भाड़ा उनसे नहीं वसूली करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के घर को जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को प्रोवाइड करता है रहने के लिए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। अनफर्निश्ड का मतलब विदाउट एनी फर्नीचर। यहाँ पे इनकम टैक्स में फर्नीचर का मतलब चेयर, टेबल, कुर्सी, वो सब तो है ही, साथ में घर में पाए जाने वाले ईच एंड एवरी हाउस होल्ड अप्लायंस इज इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ फर्नीचर। दैट इज टीवी, फ्रिज, एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक्सेट्रा, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, ऑल आर विद इन द डेफिनेशन ऑफ फर्नीचर। तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का वैल्यूएशन को दो पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। One is houses provided to a government employee and the other one is houses provided to non-government employees. तो government employees के लिए special rules हैं, उनको हम लोग study करेंगे, लेकिन पहले आइए discuss कर लेते हैं non-government employees। अच्छा, मैं एक चीज़ और clear कर देना चाहता हूँ कि ये सारे rent free unfurnished accommodation जो एक employer employee को provide कर रहा है, यहाँ पे the house is owned by the employer, ठीक है, owned by the employer, इसका मतलब घर employer का है, वो उसको भाड़े पे नहीं लिया है, ठीक है, वो उसको own करता है, ठीक है, खरीद चुका है घर को, और as an employee आपको वो रहने के लिए आपको invite किया है, मतलब आप वहाँ पे रह सकते हो, ठीक है, without paying any rent। There is another situation when house is not owned by the employer, employer खुद उसको भाड़े पे ले लिया है और आपको वो provide किया है उस घर को, उसका भाड़ा employer चुका रहा है, उस situation को हम लोग बाद में deal करेंगे। हम लोग अभी deal कर रहे हैं वो situation जहाँ पे house is owned by the employer, मतलब घर खरीद चुका है employer, तो आपको वो provide कर रहा है, आप एक government employee हो, second आप एक non-government employee। पहले इसको study कर लेते हैं, ये ज़्यादा important है। Provided to non-government employees, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है इसके वैल्यूएशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लोकेशन ऑफ द हाउस इज इम्पोर्टेंट एज वेल एज पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वेयर इट इज लोकेटेड इज इम्पोर्टेंट। इसका मतलब घर जहाँ पे लोकेटेड है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है घर के वैल्यूएशन के लिए। अगर दिल्ली में आपका घर है तो उसका वैल्यूएशन देखिए अलग होगा, अगर आपका घर कोई और सिटी में होगा उसका वैल्यूएशन लेकिन अलग होगा। इट विल डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वेयर द हाउस इज लोकेटेड। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है। बोल रहा है कि इफ पॉपुलेशन इज अप टू 10 लैक्स, मतलब उस सिटी का पॉपुलेशन जहाँ पे घर लोकेटेड है, जो घर आपको रहने के लिए दिया गया है, वो अगर उस सिटी का पॉपुलेशन अगर 10 लाख तक होगा, तो इन दैट केस वैल्यू ऑफ द हाउस इज इक्वल टू 7.5% ऑफ सैलरी। तो घर का जो वैल्यू हम लोग लेंगे, दैट इज सैलरी का, आपके सैलरी का 7.5%। सैलरी उस टाइम पीरियड के लिए होगा जिस टाइम पीरियड में आप उस घर में एज अ रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए की तरह उस घर को यूज कर रहे, ठीक है, तो 7.5% ऑफ द सैलरी। अच्छा, इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लैक्स बट अप टू 25 लैक्स, अगर पॉपुलेशन 10 लाख क्रॉस कर रहा है लेकिन 25 लाख तक है, तो इन दैट केस हम लोग घर का वैल्यू 10% ऑफ सैलरी यहाँ पे कंसिडर करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन में। तो वैल्यू ऑफ हाउस इज इक्वल टू 10% ऑफ सैलरी। इफ द पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लैक्स, तो इन दैट केस हम लोग घर का वैल्यू कंसिडर करेंगे एज 15% ऑफ सैलरी, ठीक है, 15% ऑफ सैलरी हम लोग का घर का वैल्यू होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे तीन अलग अलग परसेंटेजेस हम लोगों ने देखा, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट तीन अलग अलग परसेंटेजेस हमने देखा, घर का वैल्यू देखा, कभी 7.5% लिया जा रहा है सैलरी का घर का वैल्यू, कभी आपका सैलरी का 10% लिया जाएगा और कभी आपके सैलरी का 15% लिया जाएगा। 7.5% कब यूज़ करना है,
7.5% ऑफ सैलरी तब यूज करना है जब पॉपुलेशन उस सिटी का 10 लाख से कम होगा। 10 लाख से जैसे ही ज्यादा होगा तब 7.5 मंथ यूज करिएगा, 10 यूज करिएगा। कब तक? जब तक की पॉपुलेशन 25 लाख तक होगा। 10 लाख से ज्यादा लेकिन 25 लाख से नीचे, तो तब तक आपका घर का वैल्यू हो जाएगा 10% ऑफ सैलरी। और अगर 25 लाख से भी ज्यादा हो गया पॉपुलेशन, तो इन दैट केस आपके घर का वैल्यू 15% ऑफ सैलरी हम लोग कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब ये हो गया प्राइवेट एम्प्लॉयज के केस में, और जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके केस में घर का वैल्यू गवर्नमेंट खुद फिक्स करता है, तो घर का वैल्यू विल बी 10% ऑफ द लाइसेंसिंग फी ऑफ द हाउस। लाइसेंसिंग फी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, जो भी घर का लाइसेंसिंग फी होगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, तो उस लाइसेंसिंग फी का आपको कितना परसेंट ले लेना है? ओनली 10% आपको ले लेना। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ आपके सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट है घर का वैल्यू, कभी 7.5%, कभी 10%, कभी 15%, इसलिए सैलरी को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे। तो सैलरी का मतलब यहाँ पे हम लोग लेंगे बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस डीपी प्लस ऑल टाइप्स ऑफ कमीशन, हर तरह के कमीशन हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। जैसे एचआरए के केस में करते थे कि सिर्फ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ एज अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, वैसा नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ कमीशन, वेदर इट इज बेस्ड अपॉन टर्नओवर, वेदर इट इज नॉट बेस्ड अपॉन टर्नओवर, ऑल टाइप्स ऑफ कमीशन विल बी इंक्लूडेड। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस विल बी इंक्लूडेड, बट यू विल हैव टू कंसिडर ओनली द टैक्सेबल पार्ट। जैसे कि कंसिडर करिए, मान के चलिए कि आपको एचआरए मिला, ठीक है, 10,000 रुपया का एचआरए मिला, 6,000 का एग्जम्पशन आपको मिल गया इनकम टैक्स से, 4,000 रुपया टैक्सेबल आया, ठीक है, 4,000 रुपीज टैक्सेबल आया, तो आपको यहाँ पे सैलरी के कैलकुलेशन के लिए एचआरए जब कंसिडर करिएगा तो 4,000 लीजिएगा। क्यों लीजिएगा? क्योंकि वही खाली टैक्सेबल पार्ट बच रहा है, एग्जम्प्टेड पार्ट को नहीं कंसिडर किया जाएगा। कंसिडर ओनली द टैक्सेबल पार्ट ऑफ द टैक्सेबल अलाउंसेज प्लस ऑल मॉनेटरी पेमेंट्स, हर तरह का मॉनेटरी पेमेंट जो मनी के फॉर्म में आपको पेमेंट किया जा रहा है, जैसे बोनस हो गया, ठीक है, इस तरह का बोनस टाइप का जो भी पेमेंट्स होंगे उसको यहाँ पे आप कंसिडर करोगे। डोंट कंसिडर सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन सच एज पीएफ, ईएसआई, उसमें आपका एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसको मत कंसिडर करिए। ऑल टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पेमेंट्स जो आपको मिल रहा है उसको आपको यहाँ पे कंसिडर करना होगा। अच्छा, डीए को लेकर के एक स्पेशल बात है, डीपी नहीं, डीपी इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, बट डीए को लेकर के स्पेशल बात ये है, डीए शुड बी टेकन ओनली व्हेन इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, सिर्फ तभी लीजिएगा जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट का फॉर्म पार्ट करेगा। इसको लेकर के बहुत समय कंफ्यूजन होगा, बहुत समय क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं रहता है कि वेदर डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स और नॉट। तो मेरा एडवाइस ये है कि आप यहाँ पे एक सूटेबल नोट दे दीजिएगा, एक एजम्पशन दे दीजिएगा कि आप मान रहे हो कि डीए फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो इसीलिए इंक्लूड किए, या फिर आप अगर नहीं इंक्लूड करना चाहते हो तो उसको भी एक नोट दे करके आप क्लैरिफाई कर दो कि आप ये माने हो कि डीए डजंट फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इसीलिए हमने इसको इग्नोर किया। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए मेरे चैनल को, नॉलेज स्प्रेड। थैंक यू दोस्तों, मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब घर एम्प्लॉयर ओन नहीं करता है, व्हेन हाउस इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, दैट इज इट इज व्हेन द हाउस इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर, तब आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ द हाउस निकालने के लिए, वैल्यू ऑफ द हाउस इज इक्वल टू रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, जो आपका एम्प्लॉयर आपके घर के लिए जितना भाड़ा चुका रहा है, आप जहाँ पे आप रह रहे हो उसके लिए जितना रेंट पे कर रहे हैं वो लीजिए, या फिर 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द हाउस। थैंक यू।